हेलो एवरीवन, चेक करें आप सब लोग. लेट अस वेट फॉर अ मिनट. लेट ऑल कम हियर. हाँ जी दोस्तों, सब लोग इधर इकट्ठे हो जाएं फटाफट. पिछले वाली स्ट्रीम से इधर स्विच हो जाओ और अब चेक करके बताओ आपको आवाज आ रही है. देख पा रहे हो आप? ऑल सेट. हाँ, आईटीसी कंडीशन अगेन डिस्कस करेंगे. बिल्कुल करेंगे. सब लोग इकट्ठे हो जाएं. ऑल इज ओके. ऑल राइट. तो स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे आईटीसी के सेशन में. हम बात कर रहे थे कंडीशंस टू अवेल आईटीसी की. मैं आपसे ये कह रहा था कि लोग कंडीशंस ऑफ आईटीसी को इग्नोर करते हैं, एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी. नियम कहता है कि जब तक आप 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर देते तब तक प्रोविजनल है आपकी परमिशन. अगर आईटीसी ले लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन लोग नहीं कर रहे. कंडीशन कहती है कि जब तक माल रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप आईटीसी नहीं ले सकते. पब्लिक कह रही कौन देख रहा है माल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, आईटीसी लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आईटीसी की कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है. आइए उनको पढ़ना शुरू करते हैं, आईटीसी की कंडीशंस को. देखिए, हां जी, आईटीसी की शर्तें जो लिखी हैं, सबसे पहली बात, मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ऑब्वियसली भाई, जो सेलर है और जो बायर है वो दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, तभी तो आईटीसी का खेल आएगा. खरीदार जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर किस बात का आईटीसी? बिजनेस पर्पस के लिए ही आपने सामान खरीदा हो, सर्विसेज खरीदी हो, घर के लिए जो सामान और सेवाएं खरीदते हैं उसका आईटीसी नहीं मिलता है. ठीक है, दुनिया ले रही है वो दुनिया जाने. टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, इनवॉइस आपके पास होना चाहिए. इनवॉइस नहीं है तो फिर उसकी जगह डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड इनवॉइस, आईएसडी इनवॉइस, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि आपने कुछ खरीदा है. मान लो आपके पास ये कोई कल को प्रूव करने को बोल दे कि आपने खरीदा है, इस बात का क्या सबूत है, और आपके पास इनवॉइस नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, अगला, जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने खरीदा है वो फुली रिसीव हो जाना चाहिए. कई बार क्या होता है, ऐसे समझो जैसे आपके ऑफिस में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए ऑफिस की तरफ से फ्लाइट का टिकट बुक होता है. अब मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है और मार्च में हमारे एमडी ने ट्रैवल करना है. हमने दिसंबर में मार्च के लिए टिकट बुक करा ली. ठीक है, हमने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करा ली जो कि मार्च में उड़ेगी और हमने दिसंबर में फ्लाइट की टिकट बुक करा ली. हमने दिसंबर में परचेज ऑफ सर्विस कर लिया. अब हमारे जो वो है, क्या कहते हैं, दिल के अंदर, हमारे दिल के अंदर इच्छा उठ रही होगी कि बस जनवरी में जब हम जीएसटी पे करेंगे तो इसका आईटीसी ले लेंगे. कैसे ले लोगे भाई तुम? अभी तुम्हारी सर्विस पूरी कब हुई? अभी हवाई जहाज धरती से उड़ा ही नहीं ऊपर आसमान में. सर्विस जब तक डिलीवर नहीं हो जाए, गुड्स जब तक डिलीवर नहीं हो जाए, सप्लाई जब तक पूरी नहीं हो जाए, आप आईटीसी नहीं ले सकते. याद रखिएगा, मैंने 3-4 दिन पहले भी आपसे कहा था जब जीएसटी की शुरुआत कर रहे थे हम रिवीजन में, कि फाइनल के एग्जाम पेपर में कैलकुलेटर के सवाल कम आते हैं और सोच समझ वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. आप कोई पेपर उठा के देखिए, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में जिसमें बच्चा बैठकर कुर्सी पर सोचने को मजबूर हो जाता है कि इससे ज्यादा आसान तो कौन बनेगा करोड़पति होता है. कैलकुलेटर वाले सवालों में तो बहुत आसान है, पैटर्न पता है कहां कहां पर बटन दबाना है. कंसेप्ट याद करिए, जब तक गुड्स रिसीव नहीं हो जाते, जब तक सर्विस रिसीव नहीं हो जाती,
तब तक आईटीसी नहीं ले सकते हम। उसके बाद हाँ जी, पेमेंट 180 दिन में करनी है। हाँ वो बात सही है कि पेमेंट में इतना रहम है कि पेमेंट आप करते रहे ना, आईटीसी आप अभी ले लो। जैसे फ्लाइट वाले में तो मैंने आपको बताया, कि फ्लाइट में तो आपको आईटीसी मिलेगा ही तब जब फ्लाइट उड़ेगी मार्च में, लेकिन पेमेंट में ऐसा रूल है कि आपको आईटीसी तो दिसंबर वाला जनवरी में मिल जाएगा, बस इस भरोसे से मिल जाएगा कि आप 180 दिन में पेमेंट कर देंगे। कल को अगर पता चला कि आप नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गई जी बात। चलिए आइए अगला है। हाँ, जो भी सेलर को हम पेमेंट करके आए हैं और हम कह रहे हैं नहीं भी करके आए, सेलर से खरीद के तो आए, सेलर ने टैक्स सरकार को दे दिया होना चाहिए, बायर और सेलर दोनों के द्वारा रिटर्न भर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये वाली लाइन याद करिए डेप्रिसिएशन की। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है तो कैपिटल गुड में याद रखना है कि कैपिटल गुड में कैपिटल गुड की वैल्यू प्लस जीएसटी की वैल्यू दो चीजें होंगी, 10 लाख की मशीन और 1,80,000 का जीएसटी। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मशीन की वैल्यू और जीएसटी की वैल्यू। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आईटीसी, जीएसटी पोर्शन का आईटीसी अगर लेना है तो फिर इसका डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, और अगर डेप्रिसिएशन लेना है तो आईटीसी नहीं लेना है। मतलब ऑप्शन वन क्या है कि जीएसटी को वैल्यू में ऐड कर दो और टोटल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑप्शन टू क्या है, जीएसटी की वैल्यू को टोटल वैल्यू में ऐड मत करो, इसका आईटीसी ले लो और मेन वैल्यू का डेप्रिसिएशन ले लो। ये तुम्हारी चॉइस है कि तुमको कैसे करना है। ठीक है, ऑल राइट। चलो अब ये कंडीशन के ऊपर देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस भी ध्यान से देख लो, अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल ट्रांजिट लॉस मस्ट बी एडजस्टेड। अगर आप वो पढ़ोगे ना इंस्टीट्यूट की किताब, तो उसमें एक प्रॉपर चित्र दिया हुआ है, ऐसे करके लॉस लिखा हुआ है, लॉस में दो तीर लगे हुए हैं, ट्रांजिट लॉस, प्रोसेसिंग लॉस, फिर दोनों लॉस के नीचे दो दो तीर लगे हुए हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो पढ़ने के लिए तो चार चीजें हो गई। सर आप ये वाली लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा है, सीधी बात, नो एक्स्ट्रा बात। मैं कह रहा हूं आपसे कि ट्रांजिट वाला एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उतने रुपए से आईटीसी कम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई लॉस दिया हो, तुम उस लाइन को देखना ही मत, तुम आईटीसी के लिए उस लाइन को पूरी तरह इग्नोर कर देना, तुम्हें नजर ही नहीं आनी चाहिए वो लाइन। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला, बहुत ईमानदारी से समझिए मैंने क्या कहा। अगर आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन में कोई लॉस देखते हैं, परचेज करी क्वांटिटी, या तो रास्ते में लॉस हो जाएगा या प्रोसेसिंग में लॉस हो जाएगा, आपको ये सोचना ही नहीं है कौन सा लॉस है कैसा लॉस है। अगर एबनॉर्मल ट्रांजिट लॉस है तो उतने रुपए से प्रोपोर्शनेट आईटीसी कम कर देना, बाकी सारे लॉस इग्नोर कर देना। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। हां जी, नॉलेज अप। चलिए फिलहाल तो रिवीजन करिए, बाकी आप देखिएगा क्या करना चाहते हैं आप। चलिए आईटीसी की कंडीशंस पर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आईटीसी की कंडीशन पर है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने ये चार चीजें खरीदी और उन चार चीजों को लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है कि हमें आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो आपको क्या करना है, या तो इन चारों में से अलाउ 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 होगा या कोई डिसअलाउ 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 होगा। तो अलाउ तो क्यों, डिसअलाउ तो क्यों, जो अलाउ होगा उसका अमाउंट लिख देंगे, जो अलाउड नहीं होगा उसका निल लिख देंगे, और पर्टिकुलर्स में डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। कई बार बच्चे प्रेजेंटेशन को लेके भी बहुत परेशान होते हैं कि हमें जी प्रेजेंटेशन नहीं समझ आ रही। सबसे पहले तो आप लोग ये भूल जाते हैं शायद कि आप सीएमए फाइनल में हैं, वो भी ग्रुप 4 में। आप शायद ये भूल जाते हैं कि 2-3 महीने बाद आपके सिग्नेचर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मार्केट में चला करेंगे। तीसरी बात आप ये भूल जाते हैं कि एग्जाम में अगर सही आंसर होगा ना तो प्रस्तुति थोड़ी कम भी अच्छी होगी तो कम से कम पास तो हो जाओगे आप।
जिन बच्चों के 100 में से 10-10 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उनके आंसर भी सही नहीं है ना। प्रेजेंटेशन तो दूर की बात है, इसमें क्या कर लेगी प्रेजेंटेशन मुझे बताओ। सिंपल टेबल है, पर्टिकुलर्स में बात समझाई, आगे वैल्यू लिख दी, नीचे टोटल कर दिया, नमस्ते। कोई प्रेजेंटेशन का चक्कर नहीं है। और यकीन मानिए क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे, आपको समझ आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है देखो, कंडीशन पर एक और क्वेश्चन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चंस है वो आईटीसी की कंडीशंस पर है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, पक्का? चलो अब हम पढ़ते हैं ब्लॉक आईटीसी। तरुण जैन कह रहे हैं इतने इजी क्वेश्चन आते हैं फाइनल लेवल में। हाँ, आप स्कैनर नहीं देख रहे ना, पास्ट ईयर पेपर उठा के देखिए तो आपकी आंखें खुलेंगी, किसी की मानने की आवश्यकता ही नहीं है। मास्टर मास्टरनी तो अपने मन से बोलते हैं। एक बार आप क्या करिए, इंस्टीट्यूट की जो वो है, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट कह रहा हूं, पास्ट ईयर पेपर कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए और आपको पता चल जाएगा। चलिए, स्पर्श कह रहे हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट रिमार्क वाला भी फॉर्मेट आता है, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपोर्शनमेंट, रेस्ट्रिक्शन एंड ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी। हमारा कॉन्सेप्ट है अब टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। जो हमने खरीदा हमें उसका आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन ये कॉमन सेंस से सोचो कि जो तुमने खरीदा उसको इस्तेमाल कहां करा। अगर तुमने टैक्सेबल आइटम बनाने में यूज करा तो तुम्हारा परचेज वाला आइटम भी टैक्सेबल, तुम्हारा सेल वाला आइटम भी टैक्सेबल, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स एडजस्ट, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं, बात समझ आ गई। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि आपने जो परचेज करा वो तो टैक्सेबल आइटम है, जीएसटी देके आपने खरीदा, लेकिन उस परचेज करने के बाद उस आइटम से जो आप फिनिश गुड्स बना रहे हो, जो आपका आउटपुट डेवलप हो रहा है, जो आपकी सेल हो रही है, वो एग्जेम्प्ट है। तो जब सेल एग्जेम्प्ट है इसका मतलब आउटपुट टैक्स है ही नहीं, तो आउटपुट टैक्स जब है ही नहीं तो इनपुट कहां से माइनस कर लोगे, ये सोचो आप। तो अगर हमारे पास इनपुट है, अगर हमारे पास इनपुट है, टैक्स पेड इनपुट है, तो वो 3 जगह यूज हो सकता है। अगर हमारे पास टैक्स पे करके प्राप्त करा गया इनपुट है, टैक्स हमने पे करा और उसके बाद हमें इनपुट प्राप्त हुआ, वो 3 जगह यूज हो सकता है। किसमें यूज हो सकता है? टैक्सेबल आउटपुट बनाने में, या फिर एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाने में, या फिर टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाने में, है ना जी। अगर आपने जो इनपुट इस्तेमाल करा टैक्सेबल आउटपुट बनाने में, तो फिर क्या होगा? आईटीसी अलाउड, इसमें सोचने की बात ही नहीं। अगर आपने इनपुट यूज करा एग्जेम्प्ट आउटपुट बनाने में, तो आईटीसी डिसअलाउड, और फिर आईटीसी तो डिसअलाउ हो गई, माइनस कहां से कर लोगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही, है ना। और दोनों में इस्तेमाल करा तो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जितना इनपुट टैक्सेबल माल बनाने में यूज हुआ उतना इनपुट अलाउड, उतना आईटीसी अलाउड, बाकी का डिसअलाउड, बात खत्म। क्लियर हो गई बात, सिंपल, उसमें और क्या है, पक्का? 180 दिन का क्राइटेरिया पेमेंट का गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में है या फिर गुड्स में? दोनों में है, बिल्कुल दोनों में, बिल्कुल दोनों में। चलो जी, क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया। अब आप देखिए ध्यान से,
टैक्सेबल इनपुट, टैक्सेबल आउटपुट आईटीसी अलाउड, टैक्सेबल इनपुट एग्जेम्प्ट आउटपुट आईटीसी डिसअलाउड। लेकिन अगर हमें प्रोपोर्शनेट करना हो तो बेस्ड ऑन टर्नओवर हम इसको कर लेंगे। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया। अगर कैपिटल गुड्स हो तो फिर 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, 5 साल की लाइफ के हिसाब से हम काम करते हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंकों को लेकर। देखिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी के लिए रूल क्या है वो समझिए। जो अभी अभी आपने पढ़ा कि जो भी हमारी टैक्सेबल इनपुट है अगर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों प्रकार का आउटपुट बनाने में यूज होते हैं तो हम टर्नओवर के रेशो में प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाओ और इतना डिसअलाओ, ऐसे कर देते हैं। बैंकों को ये परमिशन है कि अगर वो नहीं चाहते प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना, भाई वो एक एक इनपुट को नहीं बांट पाएंगे, वो कह रहे हैं ऐसा कि भाई मैं तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, बैंक ऐसा कह रहे हैं कि भाई कितना इनपुट टैक्सेबल चीज में यूज हुआ, कितना इनपुट जो है वो टैक्सेबल में और कितना इनपुट एग्जेम्प्ट में यूज हुआ, मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। तो बैंकों को ये परमिशन है कि वो आधा अलाउ कर ले आधा डिसअलाउ कर ले। दोबारा सुन लीजिए, बैंकों के लिए क्या रूल था, आधा अलाउड और आधा डिसअलाउड। बैंकों के लिए क्या रूल है, आधा अलाउड आधा डिसअलाउड। मतलब अगर उनके पास टोटल आईटीसी 15 लाख का है तो उन्हें प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है, आधा मतलब 7,50,000 रुपए का आईटीसी अलाउ हो जाएगा और आधा 7,50,000 रुपए का आईटीसी छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आ गया अच्छे तरीके से। क्लियर, अगली बात समझिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है कि 5 साल को 5 साल मानना है या 60 महीने मानना है। आप 60 महीने मानिए, क्योंकि एग्जामिनर ने जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आपसे वो मंथली आईटीसी के पूछने हैं, एनुअल आईटीसी का क्वेश्चन होता नहीं। अगले महीने आईटीसी कितना अलाउ होगा यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मंथली ही आप रखिए, एनुअली की कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, बैंकों के केस में जहां पर तुम लोगों ने ये याद करा कि आधा अलाउ होगा आधा डिसअलाउ होगा, एक बात और याद कर लो, अगर ये इनपुट बैंक टू बैंक का है, अगर ये इनपुट ब्रांच टू ब्रांच का है, मतलब अगर ये अपने ही दो ऑफिसों के बीच में है तो वो वाला आईटीसी फुली अलाउड होगा। ये देखो आप, इन केस ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी, दे नीड नॉट टू डू टर्नओवर बेस्ड क्लासिफिकेशन। दे कैन सिंपली टेक 50% ऑफ टोटल आईटीसी एंड इग्नोर रिमेनिंग 50% आईटीसी। ठीक है, लेकिन दीज 50% विल नॉट अप्लाई फॉर ट्रांजेक्शंस अमंग ब्रांचेस। ये मशहूर रूल है, इसको बोलते हैं सेकेंड प्रोविजो रूल, ये याद कर लेना तुम लोग। देखो तुमने पूरे रिविजन में, तुमने पूरे अब तक के सीरीज में कई बार देखा होगा, मैंने कई बार कहा कि कोई सेक्शन नंबर, रूल नंबर, फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दो जगह ऐसी होती है ना जब बहुत फेमस हो जाता है वो नाम, जैसे आपने सुना होगा धारा 144 बहुत मशहूर है, अखबार वाले सिर्फ इतना लिखते हैं इस वाले शहर में धारा 144 लगी। तो उसी प्रकार बहुत मशहूर प्रोविजंस हैं सेक्शन 73 इन जीएसटी, सेक्शन 74 इन जीएसटी, उसी प्रकार मशहूर प्रोविजन है सेकेंड प्रोविजो बैंकों के केस में। ठीक है, ब्रांचेस में जो आईटीसी है वो फुली अलाउड कर देना। ठीक है, चलो अगला देखें, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस। ये तो वैसे कॉमन सेंस का मैटर है कि अगर आपने अपने घर के लिए मोबाइल फोन खरीदा तो तुम बदमाशी ना दिखाओ, बेईमानी ना करो, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों चाहते हो। आप इमेजिन करिए कि जो मोबाइल फोन, जो लैपटॉप, जो फर्नीचर, जो सामान घर के लिए खरीदा आपने, उसका आप व्यापार में आईटीसी मत लीजिए। लोग ले रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम है भाई, लोग ले रहे हैं वो जाने, अपने को नहीं लेना, नियम ये कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि जो इनपुट बिजनेस में यूज होगा केवल उसी काम में आईटीसी लेना है, नॉन बिजनेस का आईटीसी नहीं लेना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि थोड़ा बिजनेस में यूज हुआ और थोड़ा नॉन बिजनेस में यूज हुआ, थोड़ा यहां पर यूज हुआ
और थोड़ा वहां पर यूज हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो वो अपने को जरा यहां पर देखना है। देखिए प्रोपोर्शनेट जो है आईटीसी नॉन बिजनेस के लिए अलाउड हो जाएगा, कैपिटल गुड्स में वही 5% का रूल है। चलिए अगला है ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी। ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी समझने से पहले एक अच्छा प्रश्न बच्चा पूछ रहा है कि आईटीसी की टाइम लिमिट क्या होती है, 30 सितंबर या 30 नवंबर। दोस्तों 30 सितंबर इतिहास हो गई, अब 30th सितंबर नहीं है, अब कुछ, अब सब कुछ 30th नवंबर है। 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, इट्स नॉट 30th सितंबर, इट्स 30th नवंबर नाउ, ध्यान रखना है अपने को। अनंत देव शर्मा का प्रश्न है कि सेकंड प्रोविजो रूल से अगर केस स्टडी में हमें लॉस होता है तो भी आंसर यही रहेगा या नॉर्मल तरीके से आईटीसी क्लेम तो वो लिखें। देखो सर, वो तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होगा कि बैंकों ने कौन सा रूल ऑप्ट करा है। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि बैंक ने 50% वाला रूल ऑप्ट करा है तो हम क्या कर सकते हैं, लॉस हो रहा है, होता रहे। अगर क्वेश्चन वाला ये कहे आपसे स्पेसिफिकली कि भाई आपके ऊपर है, आप चाहे प्रोपोर्शनेट आईटीसी वाला अपनाइए, आप चाहे 50% वाला रूल अपनाइए, तब हमारे पास चॉइस है। ठीक है, हां जी, नहीं आदित्य इंटर वाले को नहीं देखना चाहिए, फाइनल वाले ही देख लें काफी। हां जी, अमूल्य क्या कह रहे हैं, बुक में नहीं तो इंस्टीट्यूट की किताब में 30 सितंबर जो लिखा है, इंस्टीट्यूट की किताब के साथ साथ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एक सप्लीमेंट्री भी आई है, एक सप्लीमेंट्री भी आई होगी, उस सप्लीमेंट्री में आप चेक करिए नवंबर लिखा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक्ड आईटीसी क्या होता है? ब्लॉक्ड आईटीसी एक प्रकार से नेगेटिव लिस्ट है कि भाई नीचे दिए हुए सर्कमस्टांसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा, नीचे दिए गए सिनेरियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट की परमिशन अपने को नहीं मिलने वाली। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में सबसे लंबा कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो ये ब्लॉक्ड आईटीसी ही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो लोगों को होता है वो ब्लॉक्ड आईटीसी में होता है, वो अच्छे तरीके से डिटेल पढ़कर नहीं जाते कॉन्सेप्ट को। और मैंने आपको कल भी बोला था, हम तो अपने थंबनेल में लिखते हैं फुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सर ये कॉन्सेप्ट आपको अकेले जब आप पढ़ते हो तो आपका दिल नहीं लगता, अकेले आप लोगों से सवाल करवा लो 100-200 जितने भी हो, तो प्लीज याद रखिएगा ब्लॉक्ड आईटीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉक्ड आईटीसी इज वेरी क्रूशियल फॉर एग्जाम। ठीक है, ब्लॉक्ड आईटीसी से मोटे मोटे लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल बनते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं जो 3-3 पेज के सवाल ही बन सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के मैट में भी नए सिलेबस के मैट का आखिरी क्वेश्चन आप देखो 2 पन्ने तक तो सवाल ही चल रहा है, आंसर छोटा है उसका। ठीक है, तो आंसर सब इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। आइए ब्लॉक्ड आईटीसी, सबसे पहला टॉपिक है मोटर व्हीकल और अदर कन्वेंस रिलेटेड सर्विसेस। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मोटर व्हीकल में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। फिक्स्ड रेल पर चलने वाली गाड़ी, मतलब मेट्रो रेल, मोनो रेल, इंडियन रेल, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो फैक्ट्री के अंदर के लिए बनाए जाते हैं, और 4 पहियों से कम वाली गाड़ी और 25 सीसी के इंजन तक वाली गाड़ी, इसको गाड़ी नहीं बोलते, ये मोटर व्हीकल ही नहीं है। अच्छा, तो रूल अपना क्या कहता है, आईटीसी नॉट अलाउड ऑन विच मोटर व्हीकल, कौन कौन से मोटर व्हीकल पर आईटीसी नहीं है। ऐसी गाड़ी आपने खरीदी जो 13 पैसेंजर तक वाली है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 13 पैसेंजर से ज्यादा वाली गाड़ी खरीद लो आप तो आपको आईटीसी मिलेगा, 13 पैसेंजर ड्राइवर मिला के है। हवाई जहाज और पानी का जहाज खरीदेंगे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन आईटीसी, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, परमिशन दी हमने आईटीसी प्राप्त करने की, ले लो आईटीसी, आईटीसी मिल जाएगा भाई साहब, अलाउड। लेकिन नीचे दी गई परिस्थितियों में, तो देखो मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, मैंने कोई लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं करा है,
सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख कर लाया हूं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सदा सदा के लिए याद हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है सर, आप एक बार बस। कोई नहीं, वैसी कर लेते हैं दोबारा। क्लास लाइव है, आप लोग सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? रोहित कह रहे से एनीथिंग, आई थॉट के द नेटवर्क इज नॉट वर्किंग। अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो रीसेट कर दूं। वो लॉगिन करना पड़ेगा फिर शायद। हाँ नॉर्मल वैसे भी खोल सकते हैं पीडीएफ।
आईटी से, हाँ ऐसे भी खुल जाए तो भी ठीक है, बस वो तो स्क्रीन पे शो करना है। ठीक, ओके। हाँ जी दोस्तों, तो एक तो आपका डाउट अभी आया था बच्चे का, वो आंसर कर दिया स्पर्श ने कि जो ब्लॉक क्रेडिट है दोस्तों वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का चक्कर है। दूसरी बात, मैं तो आपको एक बहुत प्यारी इजी बात जो बता रहा था जब बीच में हम अटके, कि आप इसको पढ़ो, ये देखो अगर आप सिर्फ इसको पढ़ लोगे ना तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आईटीसी नॉट अलाउड, ये तीन सिनेरियो, आईटीसी अलाउड, इसमें देखो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो आप अलाउड वाली सिचुएशन की लिस्ट पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ क्या है। तो अब यह ध्यान से देखो, आईटीसी व्हेन अलाउड, पहला अगर आप 13 पैसेंजर से ज्यादा वाली गाड़ी लेते हो, और पता है वहां लिखा है फॉर एनी पर्पस, होता क्या है कि एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें वो बस खरीदवा लेगा पक्का, बस खरीदवाने के बाद वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा इस बस का तो कोई यूज नहीं है, ऑफिस पर्पस से तो कोई यूज है नहीं, ये तो हमने यूं ही खरीद ली और इसका तो कोई लाभ है ही नहीं, फिर भी खरीद ली। अब तुम इस बात के चक्कर में मत पड़ना कि वो जो बस है वो काम की है कि काम की नहीं है। अगर 13 पैसेंजर से ज्यादा के लिए हमने खरीदी है मोटर व्हीकल तो आईटीसी पक्का मिलेगा, ठीक है। अगला, मोटर व्हीकल अगर हमने 13 तक लोगों का खरीदा है तो 3 पर्पस के लिए आईटीसी अलाउड है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अगर हमने चेक कर लो सब लोग, आवाज आ रही है ना आपको, अगर हमने 13 पैसेंजर से ज्यादा पैसेंजर वाली गाड़ी खरीदी, 13 पैसेंजर से ज्यादा पैसेंजर वाली गाड़ी खरीदी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गाड़ी क्यों खरीदी। लेकिन अगर आपने 13 पैसेंजर तक वाली गाड़ी खरीदी तो 3 पर्पस हैं। पहला, फर्दर सप्लाई, गाड़ी खरीदी ताकि गाड़ी आप बेच पाओ, आपने गाड़ी खरीदी ताकि आप गाड़ी चलाना सिखा पाओ, आपने गाड़ी खरीदी ताकि आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रन हो सके, तो आपको आईटीसी अलाउड रहेगा, ठीक है। याद रखोगे 13 पैसेंजर तक अपने को पर्पस चेक करना पड़ेगा, 13 पैसेंजर के ऊपर अपने को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। वेसल और एयरक्राफ्ट, 4 उद्देश्यों से खरीदोगे तो आईटीसी अलाउड है। फर्दर सप्लाई मतलब बेचने के लिए, ट्रेनिंग मतलब सिखाने के लिए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए या गुड्स के कैरेज के लिए। बाकी सारे सामान वाले व्हीकल खरीदोगे तो आईटीसी मिल जाएगा। और जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर या मेंटेनेंस करवाएंगे गाड़ी की तो आईटीसी मिलेगा। सर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गाड़ी का आईटीसी मिला होगा उसकी रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड है, जिस गाड़ी का आईटीसी नहीं मिला उसकी रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड नहीं है। कभी आप गलत याद कर लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जिस गाड़ी का आईटीसी आपको मिला ही नहीं उस गाड़ी की रिपेयर और मेंटेनेंस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। जिस गाड़ी के परचेज पर आपको आईटीसी प्राप्त है उसके रिपेयर मेंटेनेंस का भी आपको आईटीसी प्राप्त होगा, ठीक है जी, क्लियर। चलो गुड, अब देखो आप अगला है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेस एंड अदर सर्विसेस। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, हेल्थ सर्विसेस और अदर सर्विसेस मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फूड एंड बेवरेजेस। इसमें क्या रूल है, आईटीसी आपको मिलेगा केवल 2 सिचुएशंस में, या तो आप इसे फर्दर बेच रहे हो या फिर स्टैट्यूटरी ओब्लिगेशन में आपको यह खरीदना पड़ रहा है, मजबूरन आपको, कानूनन मजबूरी है आपकी। अब होता क्या है दोस्तों,
लोगों ने मान लो ऑफिस के लिए, ऑफिस के प्रोग्राम के लिए, ऑफिस की मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए खाना ऑर्डर करा कि कॉन्फ्रेंस में चलो हमारे पास 100 वर्कर है, सबका खाना मंगा लेते हैं, तो ये भी तो बिजनेस यूज ही है, लेकिन आईटीसी अलाउड नहीं है। आपने दिवाली पे, ईद पे, नए साल पे मान लो मिठाई मंगवाई, आपने 100 किलो मिठाई मंगवा के सब में बांट दी, 100 वर्कर थे, एक एक किलो बांट दी आपने। अब ये ऑफिस का पर्पस ही तो है, ऑफिस में वर्कर्स मोटिवेट होंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके साथ फेस्टिवल मनाया हमने, लेकिन आईटीसी अलाउड नहीं है दोस्तों। और लोग ले रहे हैं, उनको आईटीसी इसलिए मिल रहा है क्योंकि सरकार अभी कह रही है कोई बात नहीं बेटा ले ले, बाद में देखूंगी खट्टा। तो जस्ट बिकॉज किसी के पास अपराध का नोटिस नहीं आया, इसका मतलब वो अपराध नहीं है, ऐसा मत याद करिएगा। खाने पीने की चीजों पे, आउटडोर केटरिंग पे, ब्यूटी ट्रीटमेंट पे, हेल्थ सर्विसेज पे, कॉस्मेटिक सर्जरी पे, लाइफ इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, 2 परिस्थितियों में आईटीसी मिलेगा। या तो आप आगे बेच रहे हो, या तो आप आगे बेच रहे हो, या फिर आपने इसलिए खरीदा क्योंकि क्या करते हैं आप, कानूनन मजबूरी थी। ठीक है, अगला, मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर, मतलब जिम की मेंबरशिप अगर कंपनी का, कंपनी करेगी ना अपने स्टाफ के लिए, तब भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई कंपनी सिक्योरिटी गार्ड की है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिम की मेंबरशिप खरीदी जाए कि साहब हमारे सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल फिट रहने चाहिए, तब भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है, ओनली व्हेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तब मिलेगा, कानूनन मैंडेटरी हो तो मिलेगा। हाँ, प्रथम क्या कह रहे हैं, एयरलाइन अवेल द सर्विस ऑफ केटरिंग, तब आईटीसी मिलेगा। हाँ, क्योंकि एयरलाइन ने दोस्तों जो खाना बनवाया वो कस्टमर के लिए बनवाया, एयरलाइन ने जो आउटडोर केटरिंग अवेल करी वो फर्दर सप्लाई के लिए अवेल करी, तो मिल जाएगा। चलो, ट्रेवल बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलते हैं, अगर वो स्टेचुटरी मिल रहे हैं, मैंडेटरी मिल रहे हैं, कानूनन जबरदस्त है, जबरदस्ती है, तो मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अगला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, उसके कंस्ट्रक्शन में कोई आईटीसी नहीं मिलता, वो बात अलग है कि आपका सेम बिजनेस है तो बात अलग है, आप कॉन्ट्रैक्टर ही हो और एक कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दी तो वो बात अलग है। ठीक है, मैंने देखो स्पष्ट लाइन लिखी है, ITC is available for routine construction. ITC is available for routine construction, like repair, maintenance, renovation, office and factory building की अगर आपने करानी है। ITC allowed for construction of immovable property, same line of business है तो मिल जाएगा। ITC allowed for construction of plant and machinery. तो ध्यान से समझना है please, बहुत ध्यान से समझना है कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो कोई समस्या कहीं पर है ही नहीं। सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो इसलिए समस्या नहीं है कि जो चीज खरीदी वही चीज बेच दी, जो खरीदी वही चीज बेच दी, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात यहां पर ही चल रही है कि हम बेचते कुछ है, खरीदते कुछ है, तो इनपुट की डेफिनेशन में आया कि नहीं आया, ये पता लगाना है। मैं अगर जड़ की बात बताऊं ना, जड़ जो भी इंग्लिश में उसे कहते हैं, मतलब रूट कॉज वाली बात अगर आपको बताऊं, तो बात यह है कि असल में सारा कलेश इनपुट शब्द के डेफिनेशन का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तब मिलेगा ना जब आप इनपुट खरीदोगे, तो आप जो बेच रहे हो वो ही खरीद रहे हो, तब तो इनपुट आउटपुट सेम हो गया। झगड़े सारे तब अलाउड इस अलाउ के, जब खरीद तो कुछ रहे हो, बेच कुछ रहे हो, तो ये जो खरीदा वो इनपुट मानू कि नहीं मानू, इस बात का कलेश है। एनीवेज, खैर छोड़ो। कार्तिक का सवाल है, अगर फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग कैंटीन एस्टेब्लिश होती है कंपनी में तो उसका आईटीसी मिलेगा? हाँ, मैंडेटरी है, सरकार कह रही है करवाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती है, हम क्या करें। ठीक है, तो आईटीसी मिल जाएगा। सर सर प्लीज याद करिएगा, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दोगे आईटीसी नहीं मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दोगे आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो इमूवेबल सपोर्ट बनता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। दोबारा सुन लो आप, प्लांट एंड मशीनरी बनवाओगे ठेकेदार से, उसको पेमेंट करोगे, उसका आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी के स्ट्रक्चरल सपोर्ट का भी आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में एक और चीज इंक्लूड होती है, याद करना है, पाइपलाइन इनसाइड द फैक्ट्री। अगर हमने कहीं से कहीं तक पाइपलाइन बिछवाई,
क्यों बिच भाई, अपने क्या करना, तुम यार क्वेश्चन सुनो ना। क्वेश्चन में अगर पाइपलाइन आए तो पाइपलाइन बिछवाई हमने 5 किलोमीटर दूर से, तो जितनी पाइपलाइन हमारी फैक्ट्री के गेट के बाहर हमने बिछवाई, भले ही खर्चा हमने करा, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। जितनी फैक्ट्री के अंदर पाइपलाइन बिछवाई उसका आईटीसी मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। टेलीकॉम टावर मशीन की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, कितना ही जरूरी हो बिजनेस के लिए, टेलीकॉम टावर खरीदने पर आईटीसी नहीं है। लेकिन याद रखना है, टेलीकॉम टावर खरीदने पर आईटीसी नहीं है, लेकिन एंटीना खरीदने पर आईटीसी है। सर एंटीना कहां से आ गया, मैं बस बता रहा हूं, तुम पी नहीं सकते ये बातें, पेपर में देख लेना, क्वेश्चन में दो चीजें खरीदेगा वो व्यापारी, वो टेलीकॉम टावर भी खरीदेगा, एंटीना भी खरीदेगा, दोनों साथ में जोड़ के बेच देगा। टेलीकॉम टावर पे जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता, एंटीना पे जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। क्यों नहीं मिलता और क्यों मिलता वो छोड़ो। बच्चे का सवाल है, एम्प्लॉई को ड्रॉप करने के ही ओब्लिगेशन अगर हो और उसके लिए कार परचेज करी हो तो कार का आईटीसी मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, जो भी कानूनन मैंडेटरी। हम क्या करें, जज साहब अदालत सरकार से कहे। आइए, खैर सबसे पहले प्लीज याद करो, आईटीसी अलाउड किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी पाइप, ये प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूड्स स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर और पाइपलाइन आउटसाइड द फैक्ट्री। याद कर लोगे, गुड। अच्छा, अगर हम अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हम खुद बना रहे, खुद बना रहे से क्या मतलब, खुद बना रहे हो, कोई और कोई बनाए, आईटीसी नहीं मिलेगा भाई साहब, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला, अगर आप कंपोजिशन डीलर हो, कल ही तो पढ़ा कंपोजिशन डीलर, तो आईटीसी नहीं मिलता। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो ध्यान से समझिए, अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो जो अपने साथ सामान लेकर आए आप एयरपोर्ट से या हवाई जहाज से पानी के जहाज से, उस पर आईटीसी मिलेगा। यहां भारत आकर लोकल मार्केट से कुछ खरीदोगे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। विदेशी विदेश से साथ में जो लाएगा उसका आईटीसी मिलेगा। विदेशी विदेश से साथ में जो लाएगा उसका आईटीसी मिलेगा, और भारत आके कुछ खरीदे तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों हमें नहीं पता क्यों, बस रूल है यूं, टैक्स पेड बाय हिम ऑन इंपोर्टेड गुड इज अलाउड एज आईटीसी। पर्सनल कंजम्पशन के लिए सामान खरीदा, आईटीसी नहीं मिलेगा। जो सामान हमने खरीदा लेकिन चोरी हो गया, खो गया, हमने फ्री में सैंपल में बांट दिया, हमने गिफ्ट में बांट दिया, क्यों बांट दिया भाई, तूने जब बिजनेस में ये सामान खरीदा था तो ये बोला था ना कि इसको बेचेगा या इसको बिजनेस में यूज करेगा, गिफ्ट में कैसे दे दिया तूने फ्री में, सैंपल में कैसे दे दिया तूने फ्री में, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अच्छा सवाल अनुज सोनी का है, क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी अलाउड है? यस, बिल्कुल अलाउड है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में कोई विशेष चर्चा हमने नहीं करी, उसको आईटीसी फुली अलाउड है जैसे दुनिया को होता है। चलो, अगर आप के ऊपर फ्रॉड का चार्ज लगा, डिटेंशन लगा, कन्फिस्केशन लगा, मतलब सरकार ने आपको फ्रॉडुलेंट घोषित कर दिया और फिर आप पेमेंट करने गए तो आईटीसी से एडजस्ट नहीं होगा, कैश में पेमेंट होगी। ठीक है जी, चलिए अगला है, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ आईटीसी। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं इसमें, आराम से समझिए रिलैक्स होकर, दो प्रकार के। पहला है 86A और दूसरा है 86B। पहले में ये लिखा है 86A में कि अगर जीएसटी कमिश्नर्स को लगता है, जीएसटी अधिकारियों को लगता है कि आपको आईटीसी अलाउड नहीं करना चाहिए, या आपने कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस करी हैं, या फिर इन प्रिंसिपल आपने नॉन कंप्लायंस करा है, आपने कुछ भी ऐसा कर लिया है कि आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, यू आर नॉट एलिजिबल और यू हैव डन सम फ्रॉड, तो एक साल तक के लिए आपके ऊपर आईटीसी लेने से रोक लगाई जा सकती है। और ये ऑर्डर या तो माननीय असिस्टेंट कमिश्नर साहब देंगे या कोई और, ये 8, 9, 10 कुछ नहीं है, ये नंबरिंग गलत हो गई है, 1, 2, 3 होना चाहिए।
या तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब या उनसे भी ऊपर के अधिकारी आपको ये आदेश दे सकते हैं कि भाई अगले एक साल तक आपको फलाने वाले परचेस का आईटीसी नहीं मिलेगा, आप आईटीसी नहीं अवेल कर पाओगे। पहली बात तो समझ आ गई, सिंपल है ये, एमसीक्यू वगैरह में काम आ सकता है, एक साल वगैरह रूल क्या है। ठीक है जी, संदीप जी कह रहे हैं इनपुट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन फ्री और सैंपल इज आईटीसी अवेलेबल। हाँ वैसे ऐसे सिनेरियो कम होते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है ना वो तो टेंजिबली गायब होता नजर आता है, इसलिए उसका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया। आपने इनपुट सर्विस परचेस करी और वो सैंपल के रूप में सर्विस किसी को दे दी तो वो आईटीसी अलाउड हो जाएगा। चलिए अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है 86B का, वो क्या है वो जरा समझिए। जिन लोगों की मंथली जीएसटी लाइबिलिटी ज्यादा बैठ रही है 50 लाख, अभी आपको पता चलेगा, सरकार उनसे कह रही है कि भाई आप हर जगह, आईटीसी ले लेते हो। जो बड़े व्यापारी हैं उनसे सरकार कह रही है कि आप हर जगह आईटीसी ले लेते हो, टैक्स की पेमेंट करते नहीं। आप ऐसा करो 99% आईटीसी ले लो, 1% तो अपने बैंक खाते से कुछ तो पे करो भाई। तो अगर मान लीजिए हमारी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा रुपयों की बन रही है, कितने रुपए, 50 लाख, अभी पता चलेगा आपको, तो सरकार कहती है कि 100% पेमेंट आईटीसी से मत करो। जितनी आपकी लाइबिलिटी है उसका 99% तो आप पेमेंट कर दो आईटीसी से, अगर आपके पास क्रेडिट है तो। 1% पैसा तो कम से कम क्या करो, आप अपने बैंक खाते से पे करो। ये है 86B। आइए देखिए, क्या कह रहा है, पीपल कवर्ड इन दिस रूल विल हैव टू पे 1% फ्रॉम कैश लेजर। वो अपने खाते से देना पड़ेगा उन्हें, मैक्सिमम 99% ही आईटीसी वो ले सकते हैं। ये किस पर लगता है, जिसका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख पार हो जाए, जिसकी टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई मतलब जीरो रेटेड भी नहीं जोड़ेंगे इसमें। ये देखिए आप, अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, महीने का 50 लाख रुपया से ज्यादा का टर्नओवर अगर आपका है तो आपको कम से कम 1% पैसा अपने बैंक खाते से पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप इस रूल से बच जाओगे, आपको एग्जेम्प्शन मिल जाएगी फॉलोइंग केसेस में। नीचे तीन केसेस हैं, तीसरा तो बेकार सा है, मैं आपको बता दूंगा क्या है। तीन केसेस हैं जिनमें आपको ये चक्कर नहीं है कि आप 1% जो है वो अपनी जेब से ही पे करोगे, आप टोटल 100% आईटीसी से ले सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करते हो तो वाह, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का आईटीसी का रिफंड है आपका पिछले साल का, अगर आप खुद अपनी मर्जी से 1% से ज्यादा कैश लेजर से पे कर देते हो अपनी मर्जी से, तो अच्छी बात। ये पहले वाले दोनों समझे, मतलब या तो जिस कंपनी का जीएसटी की बात चल रही है वो कंपनी खुद या उसका डायरेक्टर, उसका पार्टनर, उसका प्रमोटर, उसका बॉस 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करता हो, या फिर दूसरा देखिए क्या है, 1 लाख से ज्यादा का आईटीसी का रिफंड आपने पिछले साल क्लेम करा हो। तो जिन लोगों के ट्रांजेक्शन वैल्यू वैसे भी बड़ी है, सरकार उनसे कह रही है चलो छोड़ो तुम्हें, छोड़ देते हैं कोई बात नहीं। और हाँ, 99% रूल नहीं लगता किस पे, सरकारी डिपार्टमेंट पर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर, लोकल अथॉरिटी पर और स्टैट्यूटरी बॉडी पर। और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लिखा है, पब्लिक कंपनी नहीं लिखा, कभी कंफ्यूज हो जाओ। सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं पर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, समझ आया सर। हाँ, अब क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, अगर अपील फेवर में आए तब आईटीसी यूज कर सकते, और क्या भाई, अपील आ गई आपके फेवर में तो आप आईटीसी खूब यूज करो। चलिए, तो ब्लॉक्ड आईटीसी पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये सब कर लेना भाई, एक एक वर्ड की नीचे डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 12, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन. अब आ गया स्पेशल सर्कमस्टांसेस. हां जी, स्पेशल सर्कमस्टांसेस को समझने से पहले स्पेशल शब्द का मतलब समझिए. स्पेशल शब्द का मतलब यह नहीं है कि ये वाली ट्रांजेक्शन बहुत हाई वैल्यू वाली ट्रांजेक्शन है या ये वाली ट्रांजेक्शन बहुत महंगी ट्रांजेक्शन है. ये वाली ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जो रोजाना में अपियर नहीं हुआ करती. ये लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है, लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन. और जब ये लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन है इसीलिए ये स्पेशल है. भाई जैसे कोई मान लो प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, कोई प्रोडक्ट जीएसटी से एग्जेम्प्ट है और अचानक से वो जीएसटी के अंदर कवर हो जाए, अभी तक तो एग्जेम्प्ट था, तो क्या होगा, वो यहां पर आएगा. कोई आदमी अब तक तो कंपोजिशन स्कीम में था और अब वो नॉर्मल स्कीम में आ जाए तो अब क्या होगा आईटीसी का. एक आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं था, वो अब पहली बार जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया तो फिर क्या होगा, वो परिस्थिति यहां पर आएगी. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी जो है वो किस चीज की है. वो स्पेशलिटी फ्रीक्वेंसी की है कि वो घटना बार बार नहीं घटती, वो बहुत कम बार होती है. एक एक करके विशेष परिस्थिति को समझते हैं. आइए, चलिए सबसे पहला सिनेरियो, जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब क्या होता है. रजिस्ट्रेशन के दो सिनेरियो बनते हैं, कंपलसरी और एक वॉलंटरी. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमें करवाना पड़ता है और अगर हम 30 डेज में अप्लाई कर देते हैं जिस दिन हमारा टर्नओवर क्रॉस हुआ या जिस दिन हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई रजिस्ट्रेशन की, तो लायबिलिटी से एक दिन पहले जितना स्टॉक हमारे पास है, लायबिलिटी से आने से एक दिन पहले जितना स्टॉक हमारे पास है उसका आईटीसी हमें मिल जाएगा. ठीक है, लेकिन वो सामान एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. ये वर्ड याद रखिएगा मेरा, मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं. आज मान लो आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गया, तो आज आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, तो आज नहीं, आज से एक रात पहले आओ, बीते हुए कल की शाम, कितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, वो क्लोजिंग स्टॉक जितने भी रुपए का है उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा. लेकिन वो जो एक रात पुराना क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से कुछ माल ऐसा है जो एक साल से भी पहले खरीदा था आपने, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा. मैंने जो क्वेश्चन चुने हैं उसमें ये क्वेश्चन है, एक साल वाला रूल यूज होगा क्वेश्चन में, देख लेना आप. चलिए, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होगा, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ऊपर में ऐसा नहीं था, ऊपर में था कि लायबिलिटी से एक दिन पहले वाले स्टॉक का आईटीसी मिलता है. यहां पर क्या है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा उससे एक दिन पहले वाला जो स्टॉक है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक में कोई भी माल एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. अब देखिए तीसरी परिस्थिति, फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर. अब तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे, अब तक आपको आईटीसी नहीं मिलता था, अब आप रेगुलर स्कीम में आ गए, अब आपको आईटीसी मिलने लगेगा. आईटीसी अलाउड ऑन इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग, जिस दिन आपकी लायबिलिटी आ गई कि आप रेगुलर में शिफ्ट हो जाओ, उससे एक दिन पहले जितना माल आपके पास पड़ा है उसका आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन वो एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए. और अगर कोई चीज कैपिटल गुड्स है तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा. अगला देखिए,
एग्जेम्प्ट सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल। अगर अभी तक आप जो सामान बेचते थे वो एग्जेम्प्ट था, और जब वो एग्जेम्प्ट था तो आईटीसी था नहीं, आज के बाद से क्या हुआ, वो सामान टैक्सेबल हो गया, और जब वो सामान टैक्सेबल हो गया, आज के बाद से जब वो सामान टैक्सेबल हो गया तो बताइए क्या होगा, आईटीसी मिलने लगेगा। तो बस जिस दिन आपका वो सामान टैक्सेबल हो गया और आप लायबल हो गए जीएसटी देने के लिए, उससे एक दिन पहले जितना सामान आपके पास स्टॉक में है आईटीसी मिल जाएगा, लेकिन वो सामान एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स में लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर दिए गए जितने भी केसेस हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि एक दिन पहले के स्टॉक पर आपको आईटीसी मिलेगा, वो एक दिन पहले का स्टॉक कितना है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर। ये 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी, और अगर 2,00,000 रुपए से ज्यादा का है वो आईटीसी, तो आपको 2 में से किसी एक व्यक्ति का साइन चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के सिग्नेचर की यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में हमें नहीं पता, उनको नहीं पता, उनकी प्रॉब्लम है। हाँ जी, शायद कह रहे हैं मिस्ड इनवॉइस का कितना परसेंटेज आईटीसी ले सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है। याद करिए कि मिस्ड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन प्रोविजंस में है। 2017 में जब आप जीएसटी में पहली बार एंटर करें और आपके पास पुराना इनवॉइस खोया हुआ है और आपके पास नहीं है, वो बात है केवल कि बिना आईटीसी के अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ट्रेडर हैं तो आपको 60% आईटीसी मिल जाएगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिसंबर को रजिस्टर्ड होता है उसके एक साल पहले का, बट अवेलमेंट आईटीसी अप टू 31 मार्च तक की, नवंबर तक ही ले सकते हैं। वो तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, डेट निकल गई तो निकल गई। चलिए अब देखिए, अब रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन। अब क्या है, अब आप रेगुलर में थे और अच्छा खासा रेगुलर में थे, अब आप वहां पर आ गए कंपोजिशन स्कीम में, या फिर आप टैक्सेबल थे अब आप एग्जेम्प्ट हो गए, अब तक आईटीसी मिलता था अब नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जितना रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स जो भी मतलब क्लोजिंग स्टॉक है उतना आईटीसी डिसला हो जाएगा, कैपिटल गुड्स है तो 5 साल की लाइफ के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिसला हो जाएगा। चलिए अगला देखें, ये आपने कल भी देखा था शेड्यूल 1 के अंदर ये वाली ट्रांजेक्शन, सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। हमने कोई कैपिटल गुड्स बिजनेस के लिए खरीदा तो उस पर जीएसटी दिया, उसका आईटीसी लिया, तो उसे 5 साल तक पूरा यूज करना चाहिए था बिजनेस में। उससे पहले अगर आप उसे बेच दोगे तो बचा हुआ आईटीसी और सेल वैल्यू का जीएसटी विच एवर इज हायर सरकार आपसे चार्ज कर लेगी। दोबारा सुन लीजिए, या तो पुरानी एसेट जिस पर आईटीसी ले चुके हो पूरे 5 साल इस्तेमाल करने के बाद बेचो, और अगर आपने पहले बेच दी बिना आईटीसी प्रोपोर्शनेट लाइफ पूरा करे तो बचा हुआ आईटीसी, प्रोपोर्शनेट लाइफ का बचा हुआ आईटीसी और सेल वैल्यू का जीएसटी विच एवर इज हायर आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो हायर ऑफ द फॉलोइंग, आईटीसी टेकन प्रोपोर्शनेटली जो बचा हुआ 5% के हिसाब से वो, और टैक्स ऑन सेल वैल्यू विच एवर इज हायर। चलिए अगला, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कोई प्रोप्राइटरशिप थी अब वो कन्वर्ट होके 1% कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप थी अब वो कन्वर्ट होके कंपनी हो गई, तो जो आईटीसी स्टॉक में रखा है वो आप ट्रांसफर कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन। देखो क्या होता है कि कई बार जैसे डीमर्जर होता है, तो अभी तो हम एक एंटिटी है, लेकिन हमने क्या करा, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग एंटिटी क्रिएट कर दी, हम डीमर्ज हो गए, हम एक संस्था से 3 संस्था बन गए, तो हम जब एक संस्था से 3 संस्था बन गए तो आईटीसी का भी तो 3 टुकड़ों में बंटवारा करना चाहिए, किस रेशो में बंटवारा होगा, वैल्यू ऑफ एसेट के रेशो में,
डिस्ट्रीब्यूटेड टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो अब देखिए, हमने आईटीसी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए, और इन पर आधारित कुल 19 सवाल जो आपने करने हैं वो आप ही ने करने, हम नहीं करने वाले क्लास में। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चार दिन बाद आपका एग्जाम अगर है, या कुछ समय बाद अगर आपका एग्जाम है, तो फिर अपने को लिमिटेड हो जाना चाहिए। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सेशन के अंत में मैं दोबारा डिस्कस कर देना चाहता हूं कि पेपर एक तो दोस्तों 100 नंबर का नहीं आता है, पेपर हमेशा 100 से ज्यादा का आता है। तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करना सीखो, पेपर चॉइस से देख दाख के 100 का अटेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अपने माइंड में इतना स्ट्रेस में मत रखो कि मैंने वो पर्टिकुलर टॉपिक का, वो पर्टिकुलर किताब का, या कोई पर्टिकुलर पन्ने की वो लाइन मैंने रिवाइज नहीं करी और मैं सुबह देख नहीं पाया, मैं रिव्यू नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं तो फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी। ठीक है, 100 में से 60 नंबर वाले बच्चे को भी बहुत अच्छा माना जाता है हमारे प्रोफेशनल जगत में, कि बच्चे के 60 आए, अरे वाह। सोचिए हमारे बच्चे के साथ वो 70 आए, भाई हमें 90 ना चाहिए ही नहीं, हमारी ऑब्जेक्टिव ही अलग है। मैंने पहले दिन भी कहा था, सेक्शन नंबर, फॉर्म नंबर, रूल नंबर और सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन करने से 100 में से 100 आते हैं, हमें चाहिए 100 में से 65 बस, 65। मीरा का भजन है, अब मैं नाचू बहुत गोपाल, बस अब और कुछ नहीं प्राप्त करना हमें, 100 में से 65 प्राप्त हो जाए तो बस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी हमें हमारे सीएमए के जीवन में, और वाकई में कुछ नहीं चाहिए। सैकड़ों बार मैंने अपने बैचेस में उदाहरण दिया कि आम के पेड़ पर सबसे ऊंचे आम जो लगे हैं, जहां पर उछलने से हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, वही आम खाने हैं हमें, ये जिद हम नहीं करते। वो झुके हुए डाली के जो नीचे आम है, अगर वो सही है और उनसे हमें आनंद प्राप्त हो सकता है तो हम वो प्राप्त करेंगे, बात खत्म। सोचने की बात है ना। वो किसी दोस्त ने कह दिया कि तूने वो क्वेश्चन नंबर 25 करके देखा, पता चला बाई चांस हमने 24 से आगे के क्वेश्चन नहीं करे, अब हमारा दिमाग खराब, 25वां भी कर लूं। बाई चांस किसी बच्चे ने आपसे कह दिया, अरे ये बता, फिर समथिंग समथिंग ही आस्क्ड सम क्वेश्चन, और आप रिकॉल एकदम से नहीं कर पाए, आप घबरा गए, आप नर्वस आ गए। तो ये सब बातें आदमी को परेशान और करती हैं। जितना है, जैसा है, जहां है, जो है, उसको बस यही क्लोज कर दीजिए आप, और पेपर देने बैठ जाइए। बच्चे ने किसी से पूछ लिया, तुझे आरडब्ल्यूए वाला रूल याद है? अब अपने को याद नहीं आ रहा आरडब्ल्यूए वाला रूल, क्या याद? उससे कह दो हाँ याद है, लेकिन मैं तो छोड़ के जाऊंगा, या नहीं याद आ रहा, बात खत्म करो, मामले को निपटाओ। वहां पर एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो 20-25 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही है, 10 ऑब्जेक्टिव है ना। तो आप सोचिए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद पूरे पेपर में को रिलैक्स होकर करेंगे, पढ़ेंगे तो सोचेंगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, और फिर आपको ये पता ही है कि स्टेप मार्किंग होती है। पूरा क्वेश्चन अपनी मेहनत से करिए, पूरा क्वेश्चन अपनी लगन से करिए, फाइनल आंसर पड़ोसी से मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला वाशरूम में आंसर मैच हो रहे हैं, सेंटर के बाहर आके आंसर मैच हो रहे हैं, तेरा कितना है? 16,000, मेरा तो 24,000 आया, बताओ। वो दोस्तों में समझा रहा है, तूने 8,000 वो ले लिए होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, पागल एग्जेम्प्ट थे वो। अरे तुम यार उसको बोलो तू पागल, मेरे को टेंशन मत दे, अगला पेपर की तैयारी करनी है। तो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इस बार फाइनल का पेपर सुबह की शिफ्ट में है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का सौभाग्य है कि पेपर सुबह है, पेपर दिया अपना फ्री होके बाहर आ गए। तो 1 बजे जब बाहर आना है तो अगले पेपर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी, पिछले पेपर के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। हाँ बस अपनी गाड़ी, बाइक, रिक्शा, पैदल जैसे भी आए हो वापस लौट जाओ सेंटर से घर पे, बस। और मैं जब मैं कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के भरोसे से कि ये नोट्स बहुत सोच समझ के बनाए गए,
हड़बड़ाहट में बनाए होते तो पहले दिन इशू कर देता आप सबको। तो इन पर फोकस करें आप। कल हम मिसलेनियस जब हम करेंगे तो दो तीन मेजर कंटेंट है कल के क्लास के जो मैं आपको बता दूं। कल है, कल वनडे बिफोर करेंगे, आज क्यों करेंगे, कल समापन समारोह है। कल के दो तीन कंटेंट बता दूं कि कल क्या क्या हम करेंगे। सबसे पहले हम जो कल करेंगे वो ये कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जो सप्लीमेंट्री आई हुई है, हम उस सप्लीमेंट्री के 10-12 पॉइंट है कुछ, वो रिवाइज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि सप्लीमेंट्री से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बातें बढ़ उठ सकती हैं। छोटे छोटे पॉइंट है सप्लीमेंट्री में, हम तो वैसे सब कुछ कर चुके हैं लेकिन सप्लीमेंट्री के कुछ पॉइंट हैं जिनको हम ताजा ताजा याद रखेंगे ताकि मल्टीपल चॉइस आए तो हम अच्छे से उसको कर सकें। दूसरी बात, जितने भी चैप्टर्स वो वाले होते हैं थ्योरिटिकल वाले, नन्ने नन्ने ई वे बिल, इनवॉइस और जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत हल्के हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। और तीसरा, कुछ मॉक टेस्ट पेपर से या कहीं और से कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, प्रश्न डिस्कस करूंगा, सोल्यूशन नहीं, वो आप अपना देख लीजिएगा कैसे करना है, आंसर नीचे होगा। तो उनको करने से आपको थोड़ा एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हाँ यस दिस कैन कम या दिस टाइप कैन कम इन एग्जाम, तो आपको थोड़ा तैयारी सही रहेगी आपकी, ठीक है। और बाकी जैसा भाई पूछ रहे थे वनडे बिफोर, तो वनडे बिफोर आई डेफिनेटली टेल यू, ठीक है सर, सब कुछ हो जाएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट तो दोस्तों मैं नहीं भी मान लो रीड करके आपको समझाऊंगा, थ्योरेटिकल पॉइंट इनवॉइस और ईवे बिल जैसे कॉन्सेप्ट अगर हम मान लो क्लास के अंदर वर्बली नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपको तो नोट्स में मिल जाएगा ना सब कुछ, आप पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। कल मिलेंगे शाम 4:30 बजे आखिरी सेशन में, थैंक यू।